अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे। तो एक न्यू टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने मेटामास्क पढ़ा था, वायलेट, वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो हमने सीखा था। क्योंकि हमें जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो हमें लाजमी उसकी नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों होगी, क्या है, वो और भी पता चलेगा आगे। और ये कि किसी ने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ मेरे चैनल पे जो है वीडियोस तमाम मिल जाएगी। ये चैनल है, यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से और कौन कौन से अकाउंट चाहिए होंगे, क्या होंगे, किस तरह से। तो ये करेंसीज का भी लिखा है यहाँ पर, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कुछ समझ ना आए तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रस्ट वॉलेट, वो किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसको हम बना सकते हैं, और नीड होगी हमें उसकी भी। तो लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे बआसानी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये देख सकते हैं इधर मेटामास्क भी है और हमें, लेकिन आज हम ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे। ये मेटामास्क कैसे बनता है वो हमने बताया था, आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये है ट्रस्ट वॉलेट। आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन आपको बआसानी मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट आप लिखेंगे तो ये आप देखेंगे इस तरह से वॉलेट आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। आज हम ट्रस्ट वॉलेट किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये दो ऑप्शंस लिखे हैं। एक फर्स्ट पर ये है कि क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अगर आपको न्यू वॉलेट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है या जो भी अकाउंट है उसकी प्राइवेट कीज होती है हर अकाउंट्स की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस वॉलेट में उसको यूज करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्राइवेट कीज का ऑप्शन देगा। जो भी उसकी प्राइवेट कीज है, सीड्स होंगी, जो भी होंगी, वो आप उधर पेस्ट कर देंगे, ऐड करेंगे, तो वो वॉलेट वहां पर शो हो जाएगा। जो एड्रेस है वो भी उसी में ही, जो उसके वॉलेट का एड्रेस होगा जो आप इसमें इंपोर्ट करेंगे उसका एड्रेस शो हो जाएगा। सिर्फ आपकी इस जो प्राइवेट कीज होती है वो ऐड कीजिएगा। तो लेकिन अभी हमें न्यू वॉलेट चाहिए तो इसलिए हम न्यू वॉलेट पर क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें, आई हैव रीड, हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए कंटिन्यू हाईलाइट हो गया। हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आई अंडरस्टैंड, इधर फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट कीज कहलाती हैं। ठीक है, ये रिकवरी किट्स भी कहलाती हैं, सीट्स कहलाती हैं। इसको हमें कहीं ना कहीं नोट करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये हम नोट न करके नहीं रखेंगे तो हम अपने वॉलेट को किसी भी वॉलेट में ना हम इंपोर्ट कर सकेंगे। और अगर जैसे अक्सर ऐसा होता है मोबाइल वगैरह फॉर्मेट हो जाता है या कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ भी इश्यूज मोबाइल में हो जाता है, और तो हम आसानी अपना जो वॉलेट है वो आराम से रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास ये कीज अगर हमारे पास मौजूद होगी तो।
अगर हमारे पास ये कीज मौजूद नहीं होगी तो हम अपने वायलेट को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, और अगर उसमें जो भी करेंसीज होंगी फिर आप उन्हें भूल जाइएगा क्योंकि वो हम खो देंगे। आप चाहे तो यहाँ से शो QR होता है उसको कर लें या फिर ये कॉपी कर लें, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना पड़ेगा आगे ऑप्शन में, इसलिए हमें इसे कहीं ना कहीं ऐसी डायरी वगैरह या नोटपैड में लिख के रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1, नंबर 2, जिस तरह से इसमें है इसी तरह से हमें अपने पास भी लिख के रखना चाहिए, ताकि कभी भी अगर मोबाइल में किसी भी तरह का कोई इश्यूज हो जाए तो आप इसको बआसानी रिकवर कर लें। यहाँ और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है नेवर शेयर रिकवरी पास विद एनीवन, स्टोर इट। यहाँ पे भी देखिए लिखा है जी कि आप किसी के भी साथ इसको शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके अपने ही पास रहनी चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं इस पे भी इन लोगों ने नोट लिखा है कि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट कीज कहलाती हैं। पब्लिक एड्रेस वो अलग होता है, प्राइवेट कीज कुछ इस तरह की होती हैं। आप इन्हीं के जरिए से बआसानी अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं अगर आप ये कहीं ना कहीं सेव करके रखेंगे। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें जो बैक पर स्टेप बाय स्टेप था इसी तरह से यहाँ पर हमें लिखना होगा। ठीक, तो फर्स्ट पर क्या था ये हमने क्लिक कर दिया इधर, अब सेकंड नंबर पे क्या था, थर्ड, इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब लिखना है कि नंबर 1 पे कौन सा वर्ड था, नंबर 2 जो उस पर कौन सा वर्ड लिखा था, इसी तरह से हमें सारे नंबर वाइज हमें यहाँ पर पेस्ट करने हैं। ये 8 पर कौन सा था, 9, 10, 11 और ये 12। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने सही वर्ड जो है स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, पेस्ट किए हैं। ठीक, इसकी के ये देखें आप, वेल डन लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है और डन लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अगर हम सही वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो ये कभी भी डन या वेल डन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। मैं अगेन बताती चलूँ कि ये प्राइवेट कीज होती हैं, ये अपने पास कहीं ना कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास लाजमी, और ये किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। इसको शेयर करने का मतलब ये है कि आपने अपना वॉलेट किसी और को दे दिया है और आपने अपने जो भी आपने मेहनत की है, जो भी करेंसीज होंगी उसके अंदर फिर वो आप मिस कर देंगे, खो देंगे। तो हम डन पर क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं हमने जैसे डन पर क्लिक किया तो यहाँ पर योर वॉलेट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पर बन चुका है। डन पर हमने क्लिक किया, अनेबल नोटिफिकेशन का है, आप चाहे इस पर क्लिक कर दीजिएगा या आपकी मर्जी है, एज यू विश। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फर्स्ट स्टॉप पे ही बिटकॉइन लिखा है, ठीक, और बिटकॉइन लिखा है और बिटकॉइन क्या है, और हमने लास्ट वीडियोस में आप देखिएगा आपको वीडियोस मिल जाएंगी बिटकॉइन क्या होती है, करेंसीज कौन कौन सी हैं, ये सारी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बिटकॉइन क्या है ये आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन के बारे में पूरी डिटेल लिखी है, करेंसीज के बारे में यहाँ पर ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख ले, ताकि जो भी कंफ्यूजन होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो ये इथेरियम है, ये स्मार्ट चैन BNB। आप यहाँ से एड्रेसेस किस तरह से ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और
कॉपी पर अगर आप क्लिक कर दें तो कॉपी से भी डायरेक्टली एड्रेस हमारा शो हो जाएगा, हम कॉपी हो जाएगा। और अगर आप रिसीव पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप, ये इसका ये पब्लिक एड्रेस शो हो रहा है, ये आप दे सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप शेयर करना चाहें शेयर कर लें, कॉपी करना चाहें किसी को देने के लिए तो आप ये कॉपी पेस्ट भी कर दें, जैसा आपको सुटेबल लगता है। ये एड्रेस है, ये पब्लिक एड्रेस है, ये आप इजीली दे सकते हैं अगर आपने रिसीव करना है तो। कुछ भी आपको करेंसी रिसीव करनी है बिटकॉइन की तो ये आप दे सकते हैं, अगर आपको बिटकॉइन रिसीव करनी है, बाय करनी है तो ये यहाँ से ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप, तो ये बाय भी आप इजीली कर सकेंगे। तो इसी तरह से ये सारे हैं एथेरियम है बीएनबी, इसी तरह से आपको ये सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे। कॉपी करना चाहे डायरेक्टली कॉपी कर लें, इनका जो एड्रेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये देख लें आप 0x। ये ऑलरेडी वीडियोस में, पहले की भी वीडियोस में ये चीज़ मेंशन कर दी गई है, बता दी गई है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लें ताकि किसी भी तरह की फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी ऐड करना होगा, इसमें सेटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जो स्टार्टिंग में कीज आती हैं वो हमें लाजमी नोट करनी पड़ती है। अगर ये जैसे कोई करेंसी वो नोट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगी ये सारी करेंसीज हैं, ये आप देख लें। इसमें आप जो भी आपको हाईलाइट करनी चाहें ओके करनी, अगर आपको मिली है तो यहाँ से वो ऑलरेडी खुद ही शो हो जाएंगी। अगर नहीं भी होंगी तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं अगर यहाँ कहीं है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे एड कस्टम टोकन लिखा है, कस्टम एग्जैक्टली वही करेंसी शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँगी। तो इधर पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नेम वगैरह जो भी होते हैं वो उधर ही शो हो जाएंगे आपको। जो भी कंपनीज वगैरह होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शो करती है, नाम, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये सारा अपना, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीज़ें, SMS, ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं। तो यहाँ पर वो जब आप ऐड करेंगे लिखेंगे तो ऐड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, आप जैसे ही इन सब चीज़ों को फिल करेंगे ये हर कंपनी आपको दे देगी जब भी जो भी करेंसीज होगी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई सेटिंग्स नहीं होती, यही है, और बस एक सिंपल यही रहता है कि जी आप अगर नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपने पुश करना है कि वो फ्रंट पर ना आए तो यहाँ से आप पुश कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये अलाउ पुश नोटिफिकेशन तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको सुटेबल लगता है। मैं तो ये ऑन ही करके रखती हूँ, डार्क मोड हो जाएगा। अगर ब्लैक चाहिए तो यहाँ से अगर आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो ये देखेंगे सब कुछ ब्लैक हो गया। इसे रखना चाहे ऐसे रख लें, अजीविश जैसा आपको ठीक लगता है। ये वायलेट्स हैं ये सारे, अगर आप कोई वायलेट जो है इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहें तो ये प्लस का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें, अगर आपके पास कोई है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ आई ऑलरेडी हैव अ वायलेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं इम्पोर्ट। ये देख सकते हैं मैंने इधर क्लिक किया इंपोर्ट पर, तो ये यहाँ पर अगर आप कोई नाम देना चाहें किसी वायलेट का तो आप यहाँ से बासानी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो प्राइवेट कीज है वो यहाँ पर आप इधर पेस्ट करके इंपोर्ट करेंगे तो जो भी वायलेट होगा आपका इधर ओपन हो जाएगा, इधर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी आप नाम देना चाहें वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं अपने वायलेट का, ठीक है। ये यहाँ पर आपने मल्टी क्वीन वायलेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, इधर आप चाहे नाम चेंज कर दें। और ये जो प्राइवेट कीज जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी ना,
इस तरह की होगी या जो भी प्राइवेट कीज होगी वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जिस तरह की कुछ वायलेट की डिफरेंट डिफरेंट भी होती हैं, तो आप यहाँ पर अगर पेस्ट कर देंगे और पोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आसानी इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि सम टाइम ये आप देख सकते हैं वर्ड्स ज्यादा भी होते हैं, तो नोट इशू, इसका इससे कोई इशू नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई एम श्योर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ भी पूछना हो आप लोगों को तो बाय कमेंट्स या बाय मेल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।